डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम बहुत जगह काम आएगा। जैसे मैं बात करूंगा, डिप्लोमा सेकंड ईयर में काम आता है, सॉरी फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में काम आता है। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम अलग से एक सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, वहाँ पे काम आता है, मतलब बी फार्म में। और जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जब तक आप हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ये मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। मतलब स्ट्रक्चर हम कैसे याद करते हैं, बीएससी और एमएससी लेवल पे भी इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो मैं आज आपको एक रिंग सिस्टम बताऊंगा, उस रिंग सिस्टम से हम कैसे डेरिवेटाइज करेंगे, उस रिंग सिस्टम को हम कैसे डिजाइन करेंगे, या यूं कहेंगे उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, और उससे रिलेटेड हम कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, ये सारी चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है दैट इज पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या होता है, देखिएगा इसके नाम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पिरिमिडीन बेसिकली एक रिंग सिस्टम है, जिसको हम 6 मेंबर रिंग होता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन होता है और अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर रिंग है, इसका मतलब ये एक कौन सा सिस्टम है, एरोमेटिक रिंग सिस्टम है। एरोमेटिक रिंग सिस्टम है पहली चीज। दूसरा, इसमें हेटेरो एटम है, इसलिए कौन सी रिंग सिस्टम है, हेटेरोसाइक्लिक। ओके, ये तो इसकी कैटेगरी होगी, मतलब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग सिस्टम हो गया। अब हम इसके नाम से हम कैसे डिसाइड करेंगे, या इसके नाम से किस तरह से इसका स्ट्रक्चर याद करने वाले हैं, तो देखिएगा दोबारा से मैं इसका एक नाम दोबारा लिख रहा हूं, कौन सा, कि इसका नाम क्या हमने लिखा, पिरिमिडीन। इसका नाम हमने लिखा पिरिमिडीन। अब इस नाम से ही हम कैसे इसका स्ट्रक्चर याद करने वाले हैं, देखिएगा नाम से स्ट्रक्चर याद करने के लिए देखिएगा, पायरा से वर्ड जनरली जो चीज आती है वो नाइट्रोजन आता है। एम कैसा है, इस तरह से देखिएगा, एम को यदि मैं इस तरह से लिख दूं तो ये एम हो गया इस तरह से, तो थर्ड पोजिशन आ रहा है। आई एन ई का मतलब जनरली जो कहलाता है सिक्स मेंबर। ओके, 6 मेंबर रिंग सिस्टम होता है। तो ध्यान देना यहां पे किस तरह से याद करना है आप लोगों को, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एट 1-3 पोजीशन, नाइट्रोजन एट 1-3 पोजीशन हैविंग 6 मेंबर रिंग नोन एज पिरिमिडीन। ओके, तो कैसे इसकी जब नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग करने का मतलब देखिएगा, हमेशा हेटेरो एटम से हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होगा। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक का नंबरिंग सिस्टम हम हेटेरो एटम से करते हैं और दूसरे हेटेरो एटम की तरफ जाते हैं, तो मतलब पिरिमिडीन क्या हो गया, 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एट 1-3 पोजीशन नोन एज पिरिमिडीन। ये हो गया इसका नंबरिंग सिस्टम और पिरिमिडीन की डेफिनेशन। अब इसके बाद में यदि मैं थोड़ा सा इसको लिख दूं, तो ये होगा 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एट 1-3 पोजीशन नोन एज पिरिमिडीन। ओके, ये उसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और नंबरिंग हो गया। अब हम इससे डायवर्टाइज करेंगे, देखिएगा कैसे सिस्टम में बनता है। यदि देखिए, बहुत सिंपल स्टेप में बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे देखना, एक मैंने इस डबल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को मैंने सेचुरेट कर दिया, तो ए इस तरह से ये 2 डबल बॉन्ड रह गया। मतलब मैंने क्या किया, यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। 2 हाइड्रोजन जैसे ऐड किया तो एक पोजीशन ये हो गई। इसकी जो नंबरिंग करूंगा मैं, यहां पे नंबरिंग करूंगा तो इसकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 1-2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, किसमें, पिरिमिडीन में। तो इसका जो नाम होगा क्या हो जाएगा, 1-2 डाइहाइड्रो पिरिमिडीन, 1-2 डाइहाइड्रो पिरिमिडीन, ये इसका नाम हो गया। आगे फर्दर हम इसका स्ट्रक्चर, अगेन मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, 2 हाइड्रोजन ऐड करते ही
यहाँ पे देखिएगा कैसे बनता है, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन बना दिया मैंने, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है। सपोज इस डबल बॉन्ड को मैं सैचुरेट करता हूं तो इस पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा। तो अगेन मैं इसकी यदि नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग में यहाँ पे आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके 1, 2, 3, 4 मतलब चार जगह पे इसका हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो पिरिमिडिन। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगेन फर्दर मैं बात करूंगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को सेचुरेट करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन फिर से ऐड करने होंगे मुझे, और जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने सेचुरेट कर दिया, ये आपका ये हो गया। और कौन सा, ये वाला डबल बॉन्ड को सेचुरेट करने के लिए मुझे दो हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें दो हाइड्रोजन और ऐड हो गए, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया क्या, हेक्साहाइड्रो पिरिमिडीन हो गया। जब हेक्साहाइड्रो होता है तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती, और उसी तरह से इसका दूसरा नाम होता है कौन सा, हेक्साहाइड्रो को हम बोलते हैं पर हाइड्रो पिरिमिडीन। हेक्साहाइड्रो को हम बोलते हैं पर हाइड्रो पिरिमिडीन, और ये पर हाइड्रो पिरिमिडीन यहाँ पे इसका मतलब सारे के सारे डबल बॉन्ड सेचुरेट हो चुके। अब इसमें हम आगे चलते हैं, ये तो एक जनरलाइज हो गया, अब हम इसमें आगे चलते हैं, हमें ड्रग का स्ट्रक्चर कैसे लर्न करना है देखिएगा, बहुत सिंपल है, मेरे साथ साथ बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा एक आगे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर शायद आपको अगेन समझ में आ रहा होगा कि ये पर हाइड्रो या हेक्साहाइड्रो पिरिमिडीन है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसमें ऑल्टरेशन करता हूं, इस पोजीशन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समझिएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, ऐसा का ऐसा ये पूरा है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप कर दिया। और आपको शायद पता होना चाहिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स में क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स में ओन लिखते हैं। ओन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, यहां पे आप नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पे सेकंड पोजीशन पे कीटोन आ रहा है, इसका मतलब यहां पे इसका नाम क्या हो गया, मैं हेक्साहाइड्रो भी यूज कर सकता हूं, पर हाइड्रो भी यूज कर सकता हूं, आपकी मर्जी कौन सा यूज कर रहे हैं। सपोज मैंने पर हाइड्रो यूज किया, पर हाइड्रो पिरिमिडीन हो गया, पिरिमिडीन हो गया, ओके पिरिमिडीन हो गया, फाइन। पिरिमिडीन में जब लिखते हैं लास्ट में आई ई हटा देते हैं, और कौन सी पोजीशन लगाएंगे, सेकंड पोजीशन पे ये क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, ये इसका नाम हो गया जिसका हमने कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगाया है। अब मैं थोड़ा सा ऑल्टरेशन और करता हूं तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको समझने के लिए देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं जिसमें आपको अब तक समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे ये वाली चीज भी समझ में आ जाएगी। नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, ये वाला कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमने अभी अभी यूज किया है यहाँ पे। अब मैं दो एडिशनल कीटोन फंक्शनल और यूज कर रहा हूँ, और ये वाले दो कीटोन फंक्शनल ग्रुप और यूज कर दिए, तो देखिएगा यहाँ पे इसकी जब नंबरिंग करता हूँ वही नंबरिंग में मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हो गया आपका कौन सा, जिसमें कितने कीटोन ग्रुप हो गए, यहाँ पे 3 कीटोन ग्रुप हो गए, और वो सिमेट्री में है। सिमेट्री का मतलब यूं कहूंगा सेकेंड फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे होगा, दो इधर हो गए एक ऊपर की तरफ हो गया। तो इस तरह से हम इसका जो नाम लिखने जा रहे हैं, इसका जो नाम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, पर हाइड्रो पिरिमिडीन तो है ही है, इसमें 3 कीटोन फंक्शनल ग्रुप और हो गए, 3 कीटोन फंक्शनल ग्रुप और होते हैं, मैंने इसका नाम क्या लिखा, इसका नाम लिखा पर हाइड्रो पिरिमिडीन। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। ई हटाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे सब और कुछ लिख रहा हूं, तो कौन कौन सी पोजीशन पे हो गए, 2, 4, 6, तो मैं क्या लिखूंगा, 2, 4, 6 क्या है, कीटोन है, तो ट्राई 3 लिखेंगे,
तीन के लिए ट्राई ओन लिखेंगे। मैं इसको यहाँ पे इसके पास में लिख देता हूं तो थोड़ा और इजी समझ में आएगा। ट्राई ओन 2 4 6 ट्राई ओन, तीन की टोन को हम ट्राई ओन लिखेंगे। ये हो गया इसका नाम जो आईपीसी नाम है बेसिकली। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर जो बना है वो स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है किसी एक कंपाउंड का जिसको हम बोलते हैं बारबिट्यूरिक एसिड। बारबिट्यूरिक एसिड इसका नाम हो गया बारबिट्यूरिक एसिड। और ये बारबिट्यूरिक एसिड आप पढ़ते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, जिसमें बारबिट्यूरेट्स आपकी एक जनरल कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स की एक जनरल कैटेगरी है जिसमें आप जो ड्रग्स पढ़ते हैं शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा नाम याद करने के हिसाब से मैं आपको ड्रग का स्ट्रक्चर नाम बता देता हूं। आप पढ़ते हैं फिनोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन और बारबिटेल, थायोपेंटेल। थायोपेंटेल में थायोल ग्रुप होता है वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन यहां पे फिनोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोल आता है, पेंटोबारबिटोल आता है। तो ये इस तरह से कुछ बारबिटोन, सॉरी टोल नहीं आता, टोन आता है। तो ये कुछ ड्रग्स है जो बारबिट्यूरेट्स की तरह, बारबिट्यूरेट्स के एग्जांपल है, जो जहां पे ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे जो नंबरिंग आती है वो फिफ्थ पोजीशन हमारी ये वाली है। फिफ्थ पोजीशन पे जनरली सब्स्टिट्यूशन होता है फिनोबारबिटोन का, कुछ जगह पे यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया बारबिट्यूरिक एसिड का, लेकिन हमने डेरिवेटाइज किससे किया है? पिरिमिडीन से। तो मैंने आपको जो अभी आज के लेक्चर में क्या क्या चीज बताई है जस्ट वापस से ओवरव्यू करता हूं। यहां पे मैंने पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बताया, एरोमेटिक हेटरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम का एग्जांपल है। पिरिमिडीन का हमने नंबरिंग कैसे किया, 1-3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, आईएनए का 6 मेंबर होता है, इस तरह से हमने पिरिमिडीन को देखा। हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट करते गए तो दो दो हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे डाइहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो, हेक्साहाइड्रो हो गया। हेक्साहाइड्रो को हमने पर हाइड्रोपिरिमिडीन बोलते हैं। पर हाइड्रोपिरिमिडीन में हमने कीटोन ग्रुप लगाया तो 1-2 ऑन सेकंड पोजीशन पे 2 ऑन हो गया। यदि हमने 3 कीटोन ग्रुप लगा दिए तो ट्राइओन फॉर्म हो गया, जिसको पर हाइड्रोपिरिमिडीन 2-4 ट्राइओन बोलते हैं। दैट इज बारबिट्यूरिक एसिड। मींस यदि बारबिट्यूरिक एसिड का यदि कोई आपको आईपीसी नाम पूछता है तो ये आपका स्ट्रक्चर का आईपीसी नाम हो गया। और इसमें आपने ये बारबिट्यूरिक एसिड हो गया, बारबिट्यूरेट्स में जनरली इन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो बारबिट्यूरेट कैटेगरी बनती है, जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में यदि आप एग्जांपल के तौर पे या पढ़ते हैं तो बारबिट्यूरेट जनरली जो यूज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक के तौर पे यूज होते हैं, सेडेटिव और हिप्नोटिक की तरह यूज होते हैं। ये आपने सारा का सारा कंप्लीट पढ़ लिया। अब यदि आपको ये बारबिट्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर याद होगी तो फिनोबारबिटोन की स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगी, पेंटोबारबिटोन की स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगी, बारबिटेल की भी हो जाएगी और थायोपेंटेल की भी हो जाएगी। और जब ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगी तो आपको आईपीसी नाम भी याद हो जाएगा और उसका एसएआर भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को बड़े आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि ये इस हार्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री को बड़ा इजीली सॉफ्ट बना दें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।